आने वाले दिनों में आटा सस्ता होने की उम्मीद जताई गई है, क्योंकि गेहूं का कुल रकबा एक साल पहले की तुलना में 3.59% बढ़कर 325,10,000 हेक्टेयर पहुंच गया है। रबी फसलों की बुआई अब समाप्त होने की ओर है और शुक्रवार को जारी कृषि मंत्रालय के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है कि रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई अक्टूबर से शुरू हो गई थी। मक्का, ज्वार, चना और सरसा अन्य प्रमुख रबी फसलें हैं और इन फसलों की कटाई अगले साल मार्च अप्रैल में शुरू होगी। वही मिली जानकारी के मुताबिक किसानों ने फसल वर्ष 2022-23 जुलाई से जून के दौरान मौजूदा रबी सत्र में 30 दिसंबर तक 325,10,000 हेक्टेयर से भी अधिक रकबे में गेहूं की बुआई की है, जबकि पिछले साल यह रकबा 313,81,000 हेक्टेयर था। जिन राज्यों में बुआई का रकबा अधिक रहा है उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और असम के साथ झारखंड शामिल है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि रबी फसलों की बुआई अब तक लगभग पूरी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बुआई गन्ने की कटाई के बाद जनवरी में की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि किसानों ने वर्ष 2023 में भी समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिलने की उम्मीद से अधिक रकबे में गेहूं की बुआई की है। गेहूं उपज की संभावना अभी बेहतर दिखाई दे रही है और मंत्रालय को उम्मीद है कि मौसम की स्थिति अच्छी रहने पर रिकॉर्ड उत्पादन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।